ए और बी पार्टनर हैं जिनका आपस का रेशियो 3:2 है। 31 मार्च 2020 को उनकी कैपिटल्स रुपीज 1,60,000 और 1,40,000 दे रखी हैं। ये भी कहा गया है कि इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम दिया जा चुका है। ठीक है बच्चों, साथ साथ ये भी बताया गया कि जो दोनों की ड्रॉइंग्स थी वो 30,000 ईच है, यानी दोनों ने ही 30,000 रुपए निकाले हैं एज ड्रॉइंग्स फ्रॉम द बिजनेस। और ये भी बता रखा है कि फर्म का जो प्रॉफिट है, जो उस साल अर्न किया था फर्म ने, वो जो है 90,000 है। और आपसे जो मांगा गया है वो ये कि बताइए ओपनिंग कैपिटल क्या होगी ए और बी की। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाएगा, ओपनिंग कैपिटल ए और बी की। बच्चों इस क्वेश्चन में ए और बी की इंडिविजुअल ओपनिंग कैपिटल निकालने से पहले आपको फर्म की टोटल ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तभी हम उसके बाद ए और बी की इंडिविजुअल ओपनिंग कैपिटल निकाल पाएंगे। ऐसा हमें इसलिए करना पड़ रहा है बिकॉज हमें यह भी नहीं पता कि ए और बी को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है, और हमें यह भी नहीं पता कि ए और बी को कितना प्रॉफिट बांटा गया होगा, बिकॉज 90,000 तो प्रॉफिट फॉर द ईयर है। ठीक है, जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले हटाया गया होगा और बचे हुए प्रॉफिट को 3:2 के रेशियो में बांटा गया होगा, बट हमें तो पता ही नहीं कि कितना इंटरेस्ट दिया गया है, तो हमें यह कैसे पता कि कितना इंटरेस्ट उन दोनों को दिया गया है अलग अलग, है ना। तो दैट्स वाई हम पहले फर्म की टोटल ओपनिंग कैपिटल निकाल लेंगे। जब हम फर्म की टोटल ओपनिंग कैपिटल निकाल लेंगे तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल सकते हैं कि टोटल कितना दिया गया है। टोटल अलग नहीं बता सकते, लेकिन ये बता सकते हैं कि टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया गया है। और जब हमें कम से कम ये पता चल जाएगा कि टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया गया है, तो हम ये बता पाएंगे कि फर्म को इन्हें कितना प्रॉफिट बांटा है। ठीक है, क्योंकि 90,000 प्रॉफिट फॉर द ईयर था, उसमें से टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट इनको बांटा गया है। और रेशियो में बताइए 3:2, तो हम एग्जैक्टली बता पाएंगे कि ए और बी को कितना प्रॉफिट दिया गया होगा अलग अलग। ठीक है, एज डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, तो हम आइए शुरुआत करते हैं विद फाइंडिंग आउट द टोटल ओपनिंग कैपिटल ऑफ द फर्म। तो उसके लिए हम शुरू कर रहे हैं टोटल क्लोजिंग कैपिटल से। तो टोटल क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ए एंड बी, 160 और 140 जोड़ दीजिएगा, वो आ जाएगा ₹3,00,000। ऐसे ही इसमें टोटल ड्रॉइंग्स ऐड कर दीजिएगा, टोटल ओपनिंग कैपिटल में टोटल ड्रॉइंग ऐड करिएगा जो कि आ जाएगी ₹60,000। और जो प्रॉफिट है उसे माइनस कर दीजिए। ठीक है बच्चों, क्योंकि चाहे आपने डिजिटल प्रॉफिट दिया हो चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हो, गया तो उनकी कैपिटल में ही होगा इन टोटल। तो एक तरह से आप ये प्रॉफिट माइनस कर रहे हैं, तो एक तरह से पूरा टोटल इंटरेस्ट भी माइनस हो रहा है जो दिया गया होगा, और साथ साथ जो डिजिटल प्रॉफिट दोनों को अलग दिया गया वो भी माइनस हो रहा है। तो इस टोटल प्रॉफिट को माइनस कर दीजिए, आपकी टोटल ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। तो ये आ जाएगी टोटल ओपनिंग कैपिटल 2,70,000। सही है बच्चों। तो मैंने क्या करा, टोटल क्लोजिंग कैपिटल में टोटल ड्रॉइंग प्लस कर दी और जो टोटल प्रॉफिट था वो माइनस कर दिया। बेशक ये प्रॉफिट उनको इंटरेस्ट के तौर पे भी दिया गया होगा अलग, डिजिटल प्रॉफिट के तौर पे अलग गया होगा, लेकिन गया टोटल 90 ही होगा इनके पास। दैट्स व्हाई टोटल 90 माइनस कर दोगे तो टोटल ओपनिंग कैपिटल अपने आप आ जाएगी। तो ये निकल आई टोटल ओपनिंग कैपिटल। और जब टोटल ओपनिंग कैपिटल निकल आएगी तो हम टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हैं इसी का 10%। ठीक है बच्चों, एट द रेट 10% पर एनम, जो कि आ जाएगा ₹27,000। और जब टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया तो हम इनका डिजिटल प्रॉफिट ढूंढ सकते हैं जो मैंने आपको बताया। इसी को फाइंड आउट करने के लिए, मेनली इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए मैंने टोटल कैपिटल का ये लॉजिक लगाया था। तो अब डिजिटल प्रॉफिट आ जाएगा इनका ₹90,000 जो कि प्रॉफिट फॉर द ईयर था, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि ₹27,000 से हटा लीजिए, तो इनका डिजिटल प्रॉफिट आ जाएगा ₹63,000। अब हम ये भी बता सकते हैं कि ए को कितना मिला होगा और बी को कितना मिला होगा प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, तो ए का प्रॉफिट होगा ₹63,000 × 3/5, जो कि निकल कर आएगा ₹37,800। ठीक है बच्चों,
ऐसे ही बी का प्रॉफिट निकल कर आएगा रुपीज 63,000 इंटू 2/5, जो कि निकल कर आएगा रुपीज 25,200। ठीक है बच्चों, तो ये इनके प्रॉफिट निकल कर आएंगे जो ए और बी को अलग अलग दिए गए होंगे। अब हम ए और बी की अलग अलग भी ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए अब वो निकालते हैं। आप पहले ए और बी का बना लीजिए कॉलम, ए और बी। अब दोनों की क्लोजिंग कैपिटल अलग अलग लिखिएगा। 1,60,000 ए की है, ठीक है बच्चों। 1,40,000 बी की है। अब ड्राइंग भी अलग ऐड करिएगा। 30,000 ए की ड्राइंग है, 30,000 बी की ड्राइंग है, और प्रॉफिट भी दोनों का अलग अलग माइनस करिएगा जो इनको सच में दिया गया था। 37,800 ए का आया था और 25,200 बी का आया था। तो इससे इनकी ओपनिंग कैपिटल निकल आएगी, ओपनिंग कैपिटल, लेकिन इसमें भी इंटरेस्ट इंक्लूड है एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है बच्चों, क्योंकि भी इंटरेस्ट माइनस करना बाकी है, उसे कैलकुलेट करना ही बाकी है, दैट्स व्हाई। तो 160 और 30, 190 में से माइनस करोगे 30 तो 160, 153, 152, 200 आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा 140, 170, 175 के तो 145, 200 और करोगे तो 144,800 ये आ जाएगा। अब इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दीजिए और जो भी निकल कर आया था ये, मतलब ओपनिंग कैपिटल, इसी पे निकालना है, मगर इस तरीके से अबव कैपिटल इनटू 10/110 करिएगा, क्योंकि इस कैपिटल में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, हमें इनकी भी ओपनिंग कैपिटल नहीं पता, ये ओपनिंग कैपिटल में इंटरेस्ट इंक्लूड करने के बाद का है। तो पहले इंटरेस्ट हटाएंगे तब ओपनिंग कैपिटल आएगी, और इंटरेस्ट निकालने के लिए रेट अपॉन 100 पर रेट का फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि इस कैपिटल में इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो जिस कैपिटल में इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है और ऐसे में इंटरेस्ट निकालना हो तो रेट अपॉन 100 पर रेट का फॉर्मूला लगाया जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे आप सॉल्व करेंगे तो ये थोड़ा सा राउंड ऑफ करना पड़ेगा, बिकॉज ये 11 से एक्जैक्टली डिवाइड नहीं होता, बिकॉज 10/110 बन गया, तो 11 से जब डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरह का आएगा आंसर। देखिए बच्चों, 11 बचा 4, 42, 11 3 33 बचा 9, 92, 11 8 88 बचा 4, 40, 11 3 33 बचा 7, 70, 11 6 आपका आ जाएगा 66 बचा 4, 40, तो राउंड ऑफ कर लीजिएगा, 11 3 33 आएगा, तो 0.3 आ जाएगा, तो इसे इतना ही रहने देते हैं। ठीक है बच्चों, राउंड ऑफ करके ऐसे इसको डिवाइड करते हैं 11 से। 11 बचा 3, 34, 11 3 33 बचा 1, 18 हो गया, 11 बचा 7, 70, 11 6 66 बचा 4, 40, 11 3 33 बचा 7, 70, 11 6 66 बचा 4, 40, 11 3 33, तो 13163.63 है, तो हम कर सकते हैं 13164। ठीक है बच्चों, तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ गए ए और बी के अलग अलग, थोड़ा राउंडिंग ऑफ करना पड़ा बच्चों। ठीक है, अब इनको माइनस करते ही इनकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी जो हमें चाहिए। 100-36 64 होता है, 11-8 3 होता है, 51-13 होता है 38, तो 138364 ए की ओपनिंग कैपिटल आ गई। 100-64 36 होता है, 7-1 6 होता है, 44-13 जो है 31 होता है, तो 131,636 बी की ओपनिंग कैपिटल आ गई। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी गुड क्वेश्चन एज वेल।